नमस्कार दोस्तों, हिमांशु हियर। और ये जो वीडियो है वो हमने जो पहला वीडियो बनाया था स्विंग स्ट्रेटजी का, उस पर मतलब आप उसको थोड़ा रिफाइन कैसे कर सकते हो उस पर मैं एक आपको थोड़ा प्रैक्टिकल हिंट दूंगा और आपकी एक्यूरेसी कैसे बढ़े उसके लिए थोड़ा गाइड करने का ट्राई करूँगा। सेकेंडली, आज मैं कोई रिव्यू वीडियो पोस्ट नहीं करूँगा बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड द मतलब पेन ऑफ शॉर्ट सेलर जिन्होंने रिलायंस शॉर्ट किए थे। मैंने बहुत अपडेट दिया, अब मैं कुछ उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और कुछ चीज़ें ऐसी है आज के ट्रेड के बारे में कि दिस थिंग्स आर बियॉन्ड यू नो आपके इमेजिनेशन। जिन्होंने सोचा ही नहीं है कि ऐसे ट्रेड हो सकते हैं, एक स्ट्रेटजी इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो मैं वो अवॉइड करना चाहूँगा। एक नॉर्मल डे होगा तो नॉर्मल डिस्कशन ही अच्छी रहेगी बिकॉज़ ये सब चीज़ें क्या है कि एबनॉर्मल लगेगी। तो जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, अगर उसका वीडियो आपने नहीं देखा है पहले का, तो उसकी लिंक अभी आपको आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर में दिख रही होगी। जाके वो पहले समझ लिए क्या स्ट्रेटजी है, देन ओनली यू विल बी एबल टू रिलेट। ठीक है, तो अब जो प्रैक्टिकल हिंट है वो ये है कि सबसे पहले तो थोड़ा बिगर पिक्चर देखने का भी ट्राई करो। एंट्री आपकी होती है, देखो ट्रेडिंग में क्या होता है कि एक रेफरेंस आपको चाहिए और रेफरेंस के बाद आपकी एंट्री रिफाइन होती है लोअर टाइम फ्रेम से। तो अगर आपको 60 मिनट में ट्रेड करना है तो उसका हायर टाइम फ्रेम हो गया है 1 आवर, तो सॉरी डेली। तो डेली में जाके आप देखोगे कि कहाँ पर ट्रेंड है, मतलब ट्रेंड स्ट्रांग है या नहीं, तो उससे पता चलेगा। अगर आपको ट्रेड लेना है 15 मिनट्स में तो आप 75 मिनट या 60 मिनट में जाके देखोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ट्रेंड क्या है। तो टाइम फ्रेम का एक रेफरेंस है 1:5 करके, मतलब जो हायर टाइम फ्रेम होती है वो जो लोअर टाइम फ्रेम उसके 5 टाइम्स या 6 टाइम्स नॉर्मली होनी चाहिए। तो ये मैं प्राइस एक्शन में एक बार एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो ये चीज़ है, पहले तो एक रेफरेंस लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि स्विंग चेंज कैसे होते हैं ना, वो देखो। उसको मैं आप एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि ट्रेंड किसको बोलते हैं। दिस इज ये क्या है, दिस इज अप ट्रेंड। अप ट्रेंड इज डिफाइंड बाय हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज लाइक दिस, राइट। तो ये स्विंग जब तक चेंज नहीं होते तब तक हम इसको कंसिडर करेंगे, दिस इज इम्पल्स, दिस इज करेक्शन, दिस इज इम्पल्स, दिस इज करेक्शन, दिस इज इम्पल्स, दिस इज करेक्शन एंड दिस इज इम्पल्स, राइट। अब स्विंग कैसे चेंज होगा, अगर ये लो ब्रीच हो गया फॉर एग्जाम्पल ऐसे, तो ये स्विंग स्ट्रक्चर अब डिस्टर्ब हो गया। हायर हाई हायर लो की जो सीरीज थी वो डिस्टर्ब हो गई है और अब ये बाउंस आएगा, तो अब ये कहलाएगा दिस वुड बी अवर इम्पल्स एंड दिस वुड बी करेक्शन। बट यहाँ पे तुरंत एंट्री डेली में जाकर रेफरेंस लेके देख सकते हो कि स्टॉक कौन सा है। पहले तो ओवरऑल वीकनेस है स्टॉक में तो वी कैन शॉर्ट इमिडिएटली। अगर ओवरऑल वीकनेस नहीं दिख रही है तो वी कैन वेट फॉर अ सेकेंड स्विंग फॉर कन्फर्मेशन कि फिर ये लो उस ब्रीच होता है और बाउंस आता है, तो ये बाउंस जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, ये स्विंग ब्रीच नहीं करता है, राइट। और यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर वीकनेस लग रही है तो वी कैन ट्रेड, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो, या तो यहाँ पर आप एक छोटा सा रिस्क लेके कोई कैंडलस्टिक पैटर्न है या कोई मूविंग एवरेज का रिजेक्शन है या आरएसआई का रेफरेंस लेके शॉर्ट कर सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर अब चेंज हो गया। तो पहले क्या था, इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स करेक्शन, तो अब क्या हो गया था कि दिस इज इम्पल्स दिस इज करेक्शन, तो यहाँ पर ट्रेड इमिडिएटली मत लो, फिर ये इम्पल्स करेक्शन और अब यहाँ पर ये ब्रीच होने पर आप ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको BEML का एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल देता हूँ, जिससे क्या है कि आप लोगों को कन्फ्यूज़ ना हो, स्ट्रेटजी को फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट कर सको। और ये स्ट्रेटजी मैंने जैसे बताया कि अगर आप थोड़ा मेहनत करोगे तो यू कैन डू वंडर। अब आप देखिए यहाँ पर कि नीचे की तरफ 5 वेव है, ये सब भूल जाओ आप। दिस इज सिंपल कि इम्पल्स करेक्शन, राइट, ऐसा हुआ, नाउ इम्पल्स करेक्शन, बट अब क्या हुआ कि उसने ये हाई तोड़ दिया। तो अगर आपने ये मूव मिस किया, ये मूव मैं इसलिए ले पाया यहाँ से जो था, कल मैंने आपको समझाया था BEML का ट्रेड मैंने रिव्यू वीडियो में, बाय बिकॉज वो मेरा एलियट वेव का पर्सपेक्टिव था। आपको एलियट वेव का नॉलेज नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब क्या हो गया कि
इम्पल्स करेक्शन हो गया, अब ये इम्पल्स हुआ और ये करेक्शन हो गया, बिकॉज स्विंग चेंज हो गए हैं। पहले क्या था, यहाँ पर लोअर हाइज एंड लोअर लोज बन रहे थे, अब क्या स्ट्रक्चर हो गया है, यहाँ पर हायर हाइज हायर लोज। तो अब हम कैसा वेट करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने आपको अप ट्रेंड का एग्जांपल दिया, सिमिलरली जैसे BEML डाउन ट्रेंड में था 60 मिनट में, तो क्या हो रहा था यहाँ पर कि ये इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स। तो ये स्ट्रक्चर क्या था कि लोअर लोज हायर हाइज, लोअर लोज हायर हाइज, राइट। फिर धीरे धीरे उसने ये कंसोलिडेशन दिया, एक ब्रेक आ गया, फिर करेक्शन आया और इम्पल्स। तो अब क्या है कि स्विंग चेंज हो गया, ठीक है। अगर आपने ये पूरा मिस कर दिया दैट इज़ नॉट एन इशू, बट अब आपको पता चल रहा है कि ये स्विंग चेंज हो गए हैं। तो नाउ फ्रॉम जो लोअर हाई था, राइट, लोअर हाई लोअर लो था स्ट्रक्चर, सॉरी, उससे अब क्या हो गया है कि इट इज़ गोइंग फॉर ए हायर हाइज एंड हायर लो। तो अब ये लो प्रोटेक्ट होता है, सबसे पहले तो ये लो प्रोटेक्ट होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंसोलिडेशन हो रहा है एंड इट कैन, ये लेवल पे भी आप एंट्री कर सकते हो, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई और टेक्निकल इंडिकेटर से हम रिफाइन भी कर सकते हैं फिबोनाची टूल का यूज़ करके। तो सिमिलरली माय पॉइंट इज़, अगर ये पूरा मिस कर दिया आपने कि इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स, तो आपको पता चल गया कि अब स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, राइट। दिस इज़ मतलब कोई रॉकेट साइंस है नहीं, दिस इज़ वेरी सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज। आपको टेक्निकल का भी पता नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ लोगे हायर आई हायर लो तो आपको पता चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि अब रिट्रेसमेंट लेंगे, तो इम्पल्स करेक्शन, तो ये पूरा इम्पल्स हो गया, कल का जो मूव आया था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जहाँ से मूव स्टार्ट हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ आप ले लो उसका रिट्रेसमेंट, तो आपको पता चलेगा कि रिट्रेसमेंट कहाँ पर आया है। तो रिट्रेसमेंट इज़ अराउंड, ये आप देखो कि 0.382 के आसपास उसने सपोर्ट लेने का ट्राई किया है। अब यहाँ पर आप कुछ मूविंग एवरेज का यूज़ करो या तो डेली में जाओ, अब डेली में चले जाओ, डेली में व्हाट इज़ हैपनिंग वो देखो कि BEML का डेली का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे मैंने बताया आपको कि रेफरेंस कहाँ से लोगे, दिस इज़ अ 60 मिनट चार्ट, 60 मिनट में काम करना है तो आपको रेफरेंस आइडियली लेना चाहिए डेली में, डेली में काम करना है तो रेफरेंस कहाँ से लोगे, वीकली में, राइट। तो ऐसे रेफरेंस एस्टैब्लिश करो, टेक अ रेफरेंस फ्रॉम ए हायर टाइम फ्रेम एंड रिफाइन एंट्री इन अ लोअर टाइम फ्रेम, ऐसे काम होता है। तो अब यहाँ पर हम देखें BEML में, तो क्या हो रहा था कि 50 EMA 20 EMA के आसपास वो मतलब सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा था, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी। आप देखो वॉल्यूम एक्सपांसन, RSI हैज क्रॉस्ड 60 प्लस, DMI इज डोमिनेंट, ATR इज अवेकनिंग। तो अब चीज़ों को आप समझ पाओगे, नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व द जिक्सो पजल, राइट। तो अब आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। अगर आपने यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं दिखी, एंट्री नहीं ली, तो कोई बात नहीं, आपने ये हाई क्रॉस करने के बाद तो आपका एंट्री बनेगा ना अब तो, राइट। तो हम इसको कैसे लेबल कर सकते हैं, फिर आपको पता चल गया अब कि नाउ दिस इज़ माय इम्पल्स ए, दिस इज बी एंड नाउ इट इज़ गोइंग फॉर अ वेव सी, राइट, क्लियर। तो अब क्या है कि जो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो वो कन्फ्यूज़न आपका निकल जाएगा। मैं ये वेव मार्क कर देता हूँ और इसको थोड़ा हम ब्लैक कर देते तो जिसके आपको पता चले, राइट। तो अब आप देखो, तो अब ये यहाँ पे करेक्शन है, हमें पता चल गया कि दिस इज़ इम्पल्स और दिस इज़ करेक्शन। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इम्पल्स कौन सा है और करेक्टिव पैटर्न कौन सी है, उसको आइडेंटिफाई करो प्रॉपर वे में, कहीं पे भी इम्पल्स करेक्शन करके घुस मत जाओ। पहली चीज़ ये है, एक लॉजिकल वे में एनालाइज करोगे चीज़ों को तो अच्छा रहेगा। और हर एक ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है, कुछ मैंने जैसे बताया था कि ट्रेड हाई क्वालिटी ट्रेड सेटअप होना चाहिए, उसकी गरज है तो हम करेंगे, हमारे मतलब हमारी थोड़ी गरज है ट्रेड करने की, मार्केट देगा हमें सेटअप, उसकी गरज है हमें ट्रेड करवाने की तो हम करेंगे, हमारी गरज नहीं है। अब यहाँ पर आप देखो एक्सटेंशन लो फिर जाके, कि अब हम एक्सटेंशन पूरा ले सकते हैं, राइट, कि ये ए टू मतलब ए माइनस बी, तो हमें पता चलेगा कि एक रिजनेबल रिट्रेसमेंट था, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि 100% तक का एक्सटेंशन आता, 100% से भी ऊपर गया है ये। तो यहाँ पर भी आपने एंट्री ली हो
थोड़े बहुत यहाँ पे लिए हो, या तो यहाँ पर भी एंट्री लिए हो 6:35 के आसपास, और आपका स्टॉप लॉस था लेट से कि 6:15, 15 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है, आपको मतलब 1.5 मिल रहा है, बिकॉज आप थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करोगे तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आप रिफाइन करोगे, चीज़ों को कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो पता चलेगा। आई होप के आप चीज़ों को समझ रहे हो। सिमिलरली जैसे निफ्टी का मैं आपको बताऊँगा अब कि निफ्टी में क्या है, आप देखो जाके तो यू विल अंडरस्टैंड। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, चीज़ों को कन्फ्यूज़ मत करो। सीधा पैसा आता है ना मार्केट से, कैसे ले वो समझो, उल्टे कान पकड़ने मत जाओ। अब आप देखो यहाँ पर कि स्विंग क्या चल रहा था, एलियट वैल्यूट सब भूल जाओ, ये सब लेबलिंग वेबलिंग यहाँ पर एवरीथिंग यू फॉरगेट, जस्ट फोकस ऑन ये सिंपल चार्ट है। इसका स्विंग क्या था कि यहाँ पर चेंज हो गए, ये स्विंग हायर हाईज हायर लो चल रहे थे, अब क्या हो गया कि लोअर हाई लो, तो यहाँ पे स्विंग चेंज हुआ, कैसे कन्फर्मेशन आएगा? तो अब ये आपने मिस किया, तो अब ये जो बाउंस आया था दैट वुड हैव बीन योर करेक्शन, और आपने यहाँ पर बेचा होता विद दिस स्टॉप लॉस दैट इज़ ओके। अब यहाँ पर क्या हुआ कि चलो अब वापस स्विंग चेंज हो गए, बिकॉज यहाँ से देखो ऊपर गया देन करेक्शन आया, तो अब हमें पता नहीं है कि इम्पल्स कौन सा है करेक्शन कौन सा है, तो हम क्या करेंगे थोड़ा उसको रिफाइन करेंगे। 60 मिनट में हम काम कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, डेली में जाओ, निफ्टी का चार्ट खोलो आप। हमने देखा कि निफ्टी मैं पिछले 2-3 दिनों से उसको एनालिसिस करके आपको दे रहा हूँ, मैंने कई सारे वीडियो बनाए थे, वो भी आप जाके देखो कि बुलिश स्ट्रक्चर क्यों लग रहा है, तो हमें पता है कि बुलिश लग रहा है। तो अब क्या हुआ कि दिस वॉज इम्पल्स हो गया, बिकॉज ये ख़त्म हो गया आगे, इसलिए हम बता सकते हैं राइट, इन हाइंडसाइट ये लुक ऐसा लग रहा है राइट। तो जब ये मूव नहीं था, हम ये मूव को हटा दे, जैसे ये मूव मतलब मैं पूरा आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो क्या कि कोई कन्फ्यूजन, जब तक ये मूव नहीं था तब तक हमें पता नहीं चलता ना कि वेदर इट इज़ इम्पल्स और करेक्शन, बट अब हाइंडसाइट में तो हम कह सकते हैं चलो एनीवेज कोई बात नहीं, तो यहाँ पर हम डिसीजन नहीं ले सकते थे। अब क्या हुआ कि ये हाई टूट गया और ये जो रिट्रेसमेंट आया दैट इज़ ऑलमोस्ट 100% रिट्रेसमेंट है, 100% का रिट्रेसमेंट भी आ सकता है दोस्तों, ऐसा नहीं है, इट इज़ परफेक्टली वैलिड एंड फाइन। ये स्विंग नहीं टूटना चाहिए, स्विंग लेवल यहाँ पे देखो 9726.9, यहाँ पर भी 9729 और ये है 97, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज़ अ डबल बॉटम पैटर्न, और अब हम इसका रिट्रेसमेंट ले यहाँ से तो हमें पता चलेगा कि चलो हमने रिट्रेसमेंट ले रखा है ये है, तो एग्जैक्ट 100% रिट्रेसमेंट था ऐसा बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट 100%। ओके, अब एंट्री कहाँ लोगे आप? चलो ये तो 3 बार हुआ, पहली पैटर्न हो गई। अब आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये कंफर्मेशन के लिए भी हम वेट कर सकते हैं कि अगर ये हाई, बिकॉज ये हाई टूटने का हम वेट करेंगे तो क्या हो जाता कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा हमारा स्क्रू अप हो जाता। तो इन दैट केस ऑल्सो अगर आपको ट्राई करना है तो आप हेजिंग के साथ कर सकते हो, फिर ऑप्शंस में आप कर सकते हो, जैसे ऊपर का है तो आप क्या करोगे, कॉल नहीं बाय करोगे तो नीचे के पुट राइड कर सकते हो, मतलब कुछ भी स्ट्रेटजी आप बना सकते हो, वो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। तो अब ये स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया था, मतलब लोअर हाई लोअर लो का और हायर हाई हायर हायर में वापस जा रहे हैं राइट। तो यहाँ से हम एक्सटेंशन लेते अब राइट, तो दिस इम्पल्स करेक्शन एंड इम्पल्स, तो हमारा 100% जो रिट्रेसमेंट था तो डबल बॉटम बनी है, तो डबल बॉटम बनने के बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव आता है राइट। तो आइदर वी कैन एक्सपेक्ट 100%, तो 100% देखो आपका यहाँ पर हो गया है नाउ 1.618, फिर उसको ट्रेल करो अपने हिसाब से। तो ऐसे चीज़ें होती है, फिर आप रिलायंस का एक एग्जांपल लेना हो मैं तो रिलायंस का आपको समझा देता हूँ ठीक है। रिलायंस में क्या था, जब हमने ये मैंने एनालिसिस किया था ये, तो रिलायंस के उल्टे स्विंग चल रहे थे। अब देखो ये यहाँ पर तो इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स नाउ, अब स्विंग चेंज हुए कैसे पता चलेगा हमें, अब स्विंग चेंज हुए, ये देखो रिलायंस का मैंने एलियट व्यू का हमारा एनालिसिस, दिस इज द पावर ऑफ एलियट व्यू गाइस, चलो उसको अभी डिस्कस नहीं करते, बट अब देखो ये हायर फिर ये लो बनाया ठीक है। तो हमें पता चला कि अब स्विंग कब पता चलेगा, कंफर्मेशन कब आएगा कि ये एक तो हाई ब्रिज करेगा तो हाई ब्रिज कर दिया, और जब रिट्रेसमेंट आएगा तो ये लेवल ब्रिज नहीं होगा एंड देन दिस हाई विल बी ब्रिज्ड, तो आपका कंफर्मेशन आ गया।
समझ गए आप मेरा पॉइंट? तो अब ये हो गया, यहाँ से हम इसका रिट्रेसमेंट लेंगे लाइक दिस के, अब हम रिट्रेसमेंट लेंगे तो ये इम्पल्स करेक्शन, नाउ दिस इज इम्पल्स, दिस इज करेक्शन, तो ये इम्पल्स हो गया। अब हम इसका रिट्रेसमेंट लेते हैं तो कहाँ तक कन्फाइन है वो देखने का ट्राई करते हैं उसको पहले। तो देखो 0.618 के आसपास ये इम्पल्स करेक्शन, और ये देखो एक स्पाइक मार के यहाँ से पिन बार बना के इट इज़ कॉन्स्टेंटली टेकिंग सपोर्ट अराउंड 0.51, मतलब 0.5 के आसपास। तो अब ये स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनी है, राइट? ये देखो ऐसी तीन रेड कैंडल दिखे और उसके बाद एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनती है ना, तो ये नेचुरल रिएक्शन होता है, एंड वो किस दिन हम एक्सप्लेन करेंगे, बट ये देखना आप जाके ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा। तो अब क्या था कि 0.5 का रिट्रेसमेंट था, अब आपकी एंट्री कहाँ पर है? इसके ऊपर भी आप ले सकते हो, ये स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनी है, विद दिस स्टॉप लॉस यू कुड हैव गॉन कि भाई 1600 रुपये के आसपास का मैं एक स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, मेरी एंट्री 1630 रुपये के आसपास है, एंड नाउ व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट। तो अब हम यहाँ से ट्रेंड बेस फिबोनाची एक्सटेंशन लेंगे टू अराइव एट द टारगेट, कि ये हमारा ए माइनस बी और सी वेव का टारगेट क्या आ रहा है, दैट वी विल सी। तो आइडियली क्या होना चाहिए, 1.618 इट हैज हिट, और रिलायंस तो काफ़ी अप स्ट्रांग में है, तो क्या है कि यू कैन एक्सपेक्ट हाई टारगेट। ऐसा नहीं है 1.618, 2.618, 3.618 कहाँ तक एक्सटेंड होगा, दैट नोबडी नोज। तो अब आप राइड कर सकते हो, तो दिस इज अ सिंपल पैटर्न गाइज, ठीक है? तो आई होप के कुछ जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और कंटेंट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें दोस्तों। थैंक यू, बाय।